हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद एनके में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से हम कम समय में निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। 1600 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम इसे फॉर्मूले के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख देंगे मूलधन। ठीक है, इनटू 1 प्लस दर बाई 100, इनका पावर हो जाएगा समय। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे दोस्तों, तो कोई भी चक्रवृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आप इजीली बना सकेंगे। चलिए अब देखते हैं मूलधन हमारा क्या है। दोस्तों मूलधन हमारा 1600 है, इंटू 1 प्लस दर क्या है, दर है 15%। ठीक है, बाई 100। अब इसका हमें क्या करना है, समय, समय कितना है 2 वर्ष। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सोलह सौ इंटू 5 से कटेंगे ये 3, 5 से कटेगा 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 23/20। अब पावर ऊपर है 2, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 23/20। अब देखिए, नीचे का 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो काट देंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, 2 से 16 8 बार में, 2 से 8 4 बार में, तो 4 × 23 × 23 ऐसा ही लिख सकते हैं। अब इसे हम गुना करेंगे, इसका जवाब आएगा दोस्तों 2116। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा, है ना, टोटल धन जो हमें 2 साल बाद देने होंगे। अब इसी में चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम क्या लिखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लिखते हैं मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए 2116 में 1600 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 516। ये हमारा आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का, है ना, मिश्र धन के लिए ये हमारा आंसर है कि 2 साल बाद कितने देंगे। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए दी जाती है, तो मिश्र धन राशि क्या होगी। अब देखिए, मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 बाई समय। ठीक है, अब मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन है 1000 इंटू कर देंगे 1 प्लस दर कितना है 10%, इसका 100, समय है 3 वर्ष। देखिए ये एक कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1000 × 10 11/10 × 11/10, पावर है तो 3 बार लिखेंगे, 11/10 × 11/10। अब देखिए दोस्तों, 2 3 कट गया। अब इन तीनों को हम गुना कर देंगे, है ना, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1331, जो कि हमारा मिश्र धन है, है ना, ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस फॉर्मूला के थ्रू आप कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज के रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही मैथ के ट्रिक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।